Assalamu alaikum viewers, you are watching me on my YouTube channel, Mr. Talk. So, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर नेटफ्लिक्स की सीरीज बर्लिन का रिव्यू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि काफी टाइम से इसका वेट किया जा रहा था। जो लोग मनी हाइस्ट को फॉलो करते आ रहे हैं, उसके 5 सीजन्स आए और उस सीरीज का एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर बर्लिन बहुत ही ज्यादा जो है वो मशहूर हुआ लोगों के बीच। उसका अंदाज, उसका स्टाइल, द वे ही डिलीवर हिज थिंकिंग, हिज लीडरशिप क्वालिटीज, काफी ज्यादा चीजें उसकी फेमस हुई। तो मेकर्स ने डिसाइड किया कि उसके ऊपर एक मुख्तलिफ सीरीज बनाई जाए, जिसका पहला सीजन आ चुका है बर्लिन के नेम से। सीरीज रिलीज हुई है 29th of December 2023 पर। सो मैंने इसको देख लिया है। सो आज मैं करूंगा इस सीरीज का रिव्यू। ये सीरीज इसका नाम है बर्लिन, ये फ्रांस के शहर पेरिस में एस्टैब्लिश्ड है और ये एक्चुअली बर्लिन के गोल्डन एरा कह सकते हैं या उसका यंगर पोर्शन को दिखाया गया है सीरीज के अंदर, कि जब वो जवान था, व्हेन ही वाज नॉट लिंक्ड विद द गैंग ऑफ प्रोफेसर। तो उससे पहले उसने क्या किया, उसकी क्या हॉबीज थी, व्हाट यूज्ड टू डू इट, सो वो सब चीजें इस सीरीज के अंदर दिखाई गई। सो एक्चुअली द सीरीज रिवॉल्व्स अराउंड अनदर हाइस्ट जो कि प्लान की गई है बर्लिन की तरफ से। इस दफा वो लोग जो है वो एक बहुत ही ज्यादा प्रेस्टीजियस ऑक्शन हाउस के ऊपर जो है वो रॉबरी करेंगे और वहां पर जो है मौजूद सारी जो ज्वेलरीज हैं जो कि बहुत नोबल और रॉयल फैमिलीज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज वहां पर भेजती हैं ताकि वो सेल हो सकें। तो उस ऑक्शन हाउस के ऊपर इस दफा इन्होंने हाइस्ट करनी है और वो सब चीजें जो है वो दे यूज टू स्टील इट आउट। सो किस तरीके से हुआ, क्या प्लानिंग हुई, वो सब तो ऑब्वियसली आप जब सीरीज को देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। यहां पर मैं कुछ भी या किसी किस्म की भी जो है वो चीजें रिवील नहीं करूंगा। आप लोग देखें सीरीज को, इट इज रियली 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 एक्साइटिंग, फुल ऑफ थ्रिल। दे हैव बीन डील ऑल द प्रॉब्लम वेरी स्मार्टली। यही चीजें जो है वो एक्चुअली इस सीरीज में दिखाई गई हैं। तो सबसे पहले अगर आप कैरेक्टर्स की बात करें, सबसे पहले हमारे पास आता है डैमियन। ये एक्चुअली एक ओल्ड मैन कैरेक्टर है जिसके अंदर आप देख सकते हैं इस सीरीज के अंदर के ही एक्चुअली प्लेज अ रोल ऑफ अ प्रोफेसर और उन्होंने जो है काफी जो है वो टीम को सपोर्ट किया, गैंग को, और बहुत सारी प्लानिंग के अंदर भी बर्लिन की हेल्प की है। सो एक्चुअली यू कैन से बर्लिन के बाद इज अ सेकंड लीडर ऑफ द टीम और इसके बारे में और चीजें मैं आप लोगों को नहीं बताता, वो आप जब सीरीज देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। सेकेंड कैरेक्टर इज केयल। ये एक हैकर गर्ल है और तमाम सिक्योरिटी अलार्म्स को हैक करना और टीम को बैकअप देना, शी हैव डन इट वेरी एफिशिएंटली। टीम को जहां जहां जरूरत पड़ी वहां वहां इन्होंने बैकअप दिया। शी इज एक्सपर्ट ऑफ सिक्योरिटी अलार्म्स। जैसे आपने देखा होगा मनी हाइस्ट के अंदर रियो था, ही वॉज अ यू नो हैकर। सो इस दफा केयल इनकी गैंग के अंदर एक हैकर गर्ल है। सो थर्ड कैरेक्टर है इस सीरीज के अंदर ल्यूकस का। He is actually very you know brave and strong regarding the combat ship. He was actually very efficient in his skills regarding fighting, regarding showing bravery, और काफी ज्यादा strong है जिसकी वजह से gang को काफी ज्यादा help मिल सकी और उन्होंने काफी ज्यादा contribute भी किया जहां जहां इनको contribute करना चाहिए था regarding the heist. चौथा character है हमारे पास जो है कैमरून का। इनका एक्चुअली ब्रेकअप हो चुका है एंड शी वॉज इन अ रिलेशनशिप एंड नाउ शी मूव्ड ऑन और बर्लिन ने इनको यू नो एक मेंटल हॉस्पिटल से अप्रोच किया एंड नाउ शी इज बीइंग जॉइंड द टीम। काफी अच्छी बाइक राइडर है, हर स्मार्ट माइंड, हर टैक्टिक्स एंड हर डिसीजन मेकिंग पावर हेल्प द गैंग इन मैनी थिंग्स और इनका भी काफी ज्यादा जो है वो अप्रोच रही इस हाइस्ट के अंदर। द फोर्थ कैरेक्टर इज ऑफ रोई। He is actually a person who is being ignored by his parents, ignored by his family. So, उन्होंने उस family को अपनी छोड़ के he contact to the Berlin and he make him as a father और Berlin को अपना जो है वो father मान लिया और तब से जो है वो Berlin से contact में है and now he is being a part of this heist. So, ये थे 5 characters जो के Berlin को हटाकर इस आपको इस सीरीज में नए दिखने को मिलेंगे। सो इस हाइस्ट की प्लानिंग के दौरान वन ट्विस्ट केम दैट आफ्टर द 3 रिलेशनशिप ऑफ द बर्लिन फेल, 3 रिलेशनशिप फेल होने के बाद बर्लिन हैज अगेन फॉल इन लव विद अनदर लेडी और उस चीज का काफी ज्यादा असर पड़ा इन अ नेगेटिव एस्पेक्ट और काफी काफी एरियाज पर। आप लोग जब देखेंगे सीरीज को तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बर्लिन ने अपने प्लान को खतरे में डालकर और अपने टीम मेंबर्स को खतरे में डालकर यूज टू स्पेंड द टाइम विद दैट लेडी एंड इग्नोर द प्लान, लिटरली इग्नोर्ड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द प्लान और वो सिर्फ और सिर्फ जस्ट
ही इज सो मच एगोइस्टिक, और इसी वजह से जो है व्हेन ही सॉ दैट गर्ल, और उसके बाद से जो है उनका जो है ये वन साइड लव का सिलसिला शुरू हो चुका, एंड दिस टेक्स द सीरीज टू द नेक्स्ट लेवल। ये बहुत ही यूनिक ट्विस्ट है कि चोरी के दरमियान लव की अफेक्शन, सो इट्स रियली मेक इट वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये एक और पार्ट था जो कि बहुत ज्यादा जो है वो आप लोगों के दरमियान पसंद किया जाएगा बिकॉज ऑफ इज स्टाइल ऑफ बर्लिन, हाउ टू डील विथ लव एंड वेल्थ, प्यार और पैसे को किस तरीके से कंट्रोल किया गया, वो भी इस सीरीज का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट की फैक्टर है। इस सब के अलावा दो कैरेक्टर ऐसे हैं जो आप लोगों ने मनी हाई सीजन 1 से लेकर सीजन 5 तक आप लोगों ने देखे हैं, वो इस सीरीज के अंदर भी मौजूद है, और आप लोगों तो पता चल चुका होगा इसलिए मैं यहाँ रिवील भी कर देता हूँ। द टू कैरेक्टर, द टू मोस्ट फेमस कैरेक्टर्स, द रकेल मोरियो एंड अलिसिया सियारा, दीज टू आर द कैरेक्टर्स एक्चुअली जिनका लिंक है प्रोफेसर के साथ। रॉयल मिंट ऑफ स्पेन की हाइस के दौरान जो है रकेल मोरियो वॉज इन चार्ज एंड शी वॉज अ पुलिस वुमन, एंड देन सेकेंड हाइस्ट ऑफ बैंक ऑफ स्पेन अलिसिया सियारा वॉज लीडिंग द पुलिस डिपार्टमेंट। तो ये दो जो हैं वो पुलिस वुमेन्स हैं जो कि इस हमें सीरीज के अंदर नजर आएंगी विथ अ न्यू लुक, विथ अ न्यू स्टाइल, न्यू कनेक्शंस के साथ आप लोगों को इस सीरीज के अंदर भी नजर आएंगे। सिर्फ ये दो कैरेक्टर रिपीट किए गए हैं और कोई भी कैरेक्टर जो है वो रिपीट नहीं हुआ है। सो जनरलाइजिंग ऑल द थिंग्स, ये सीरीज भी बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाली है बिकॉज ऑफ बर्लिन, और लोगों को इतना पसंद था ये कैरेक्टर तो मेकर्स ने इनके ऊपर सेपरेट जो है वो सीरीज बनाई, और मुझे भी मजबूर किया गया कि मैं भी इसके ऊपर रिव्यू दूं बिकॉज आई वॉज फॉलोइंग मनी हाइस्ट फ्रॉम सीजन 1 एंड नाउ वी विल गो टू फॉलो अप द सीजंस ऑफ बर्लिन एज वेल, और आगे भी इस तरह के जब बर्लिन के सीजंस आएंगे सो वी विल डिस्कस दैट एज वेल। काफी सारी चीजें मैंने एक्सक्लूड कर दी हैं, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेन कॉम्पोनेंट्स बताए हैं जो कि आप लोगों ने किसी से सुन भी लिए होंगे, और कुछ भी जो है यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया गया है। इसकी स्टोरी बहुत जबरदस्त है, मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो बर्लिन की जो कैरेक्टर है उसको सही तरीके से एग्जैजरेट किया गया है, सही तरीके से डिफाइन किया गया है, बिकॉज कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रोफेसर में और बर्लिन में जो लीडरशिप डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है बिकॉज प्रोफेसर इज ओनली फोकस ऑन प्लान, बट बर्लिन ने एक पे दो चीज़ों को संभाला है, उसने अपने जो है वो न्यूली फॉल्ड इन लव उसको भी एंड हिज हाइस्ट वो दो चीज़ों को संभाला एक साथ। सो ये काफ़ी लोगों को जो अच्छा नहीं लगा बिकॉज एक चीज पे फोकस होना चाहिए, तो मगर डेफिनेटली जब आप इसको एंड में देखेंगे इसका एंड पार्ट तो आप लोगों को लिटरली ये पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा कि बर्लिन ने दोनों चीजों किस तरीके से मैनेज किया, क्या वो दोनों चीजों में सक्सेसफुल रहा नहीं रहा, ये सब आप जब सीरीज देखेंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। सो एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू एंड अप दिस रिव्यू सेशन ऑन सम वर्ड्स, लाइक मेरा पर्सनली इसके ऊपर ये फीडबैक है कि अभी तो ये स्टार्ट है एक तरह से, बर्लिन के अगर सीजन और बनते जाए तो काफी ज्यादा अफेक्शन और काफी ज्यादा जो है कनेक्शन लोगों को फील होता रहेगा बर्लिन के साथ, और जितना हो सका उन्होंने इसको शोकेस किया गया है। बर्लिन का जो स्टाइल, उनका जो कैरेक्टर जो कि पोर्ट्रे किया गया था मनी हाइस्ट से, वो अब ये उन्होंने जो इस सीरीज में पोर्ट्रे किया गया है तो सिमिलर शोकेस किया गया है। ऐसा नहीं है कि वहां पर बर्लिन सीरियस है तो यहां पर जो इमेच्योर हो गया, नो, ही सिमिलर इन ऑल द एरियाज। मनी हाइस्ट के सीजन 1 और 2 के अंदर भी वो बिल्कुल सेम था, और यहां पर भी जो है वो बिल्कुल सेम, इनफैक्ट यहां तो और ज्यादा जो है वो थोड़ा सा के काफी लव और अफेक्शन से घिरा हुआ इंसान, और काफी ज्यादा जो है वो ना सिर्फ प्रोफेसर की तरह हाइस्ट पे फोकस्ड और इतना जो है वेल मैच्योर्ड, नहीं, यहाँ पर उनको उसको पार्टीज में भी दिखाया गया है, पब्स में भी दिखाया गया है, वेल ड्रेस्ड और काफी मॉडर्न उसका कैरेक्टर शोकेस किया गया है। साथ ही साथ जो लड़की है उनको भी आपने देखा होगा मनी हाइस्ट के अंदर, तातियाना के नाम से काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था उनका कैरेक्टर, सो वो अब यहाँ पर कैमिल के नाम से जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है, एंड हाउ दे मेट, हाउ दे फॉल इन लव, एंड हाउ दे मेड द अफेक्शन इन बिटवीन देम, सो वो सब तो आप जब सीरीज देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर इस रिव्यू सेशन को एंड करते हैं। इस तरह की सीरीज के और भी रिव्यूज मैं आप लोगों के लाता रहूंगा, इस तरह की वीडियोस बनाता रहूंगा, पर याद रहे स्टोरी मैं रिवील नहीं करूंगा, आई विल जस्ट गिव यू द रिव्यू ताकि आप मेरे रिव्यू को देखकर अगर अच्छा है तो आप लोग जो है डेफिनेटली चेकआउट करें, अगर बुरा है तब भी चेकआउट करें सीरीज को, बिकॉज क्या पता आपको क्या चीज उसमें से अच्छी लग जाए। सो एट लास्ट जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके टॉक आरएनबी का आप लोग बन जाए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट से जरूर बताइएगा कि आप लोगों की फेवरेट सीरीज कौन सी है और आप लोगों का
फेवरेट पार्ट इस सीरीज में कौन सा अगर आप लोगों ने देख लिया। सो कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी और नए रिव्यू सेशन में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।